अगर सपने टूट जाए तो बहुत बुरा लगता है ना, रोना आती है ना, हिम्मत तक टूट जाती है ना। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज ट्रिक्स विद निशु। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जिनके सपने टूट जाते हैं तो फिर क्या होता है, उनका रिएक्शन कैसे होता है, क्या हम अगर हमारे सपने टूट गए तो क्या हमें टूट जाना चाहिए, क्या हमें हर वक्त मतलब निराश रहना चाहिए, इसी टॉपिक पे हम विचार करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ कि हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं और वो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। मैं सभी के लिए बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स हो, ओल्ड हो, यंगनेस पर्सन हो, मैं सभी के लिए बात करती हूँ। किसी ना किसी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, है ना, और उन्हें पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। बट किसी कारणवश अगर पूरा नहीं हुआ तो, सपने टूट जाते हैं तो क्या होता है फिर? बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे पर्सन जो होते हैं उन्हें बुरा लगता है, देन निराश हो जाते हैं, देन अंदर से वो टूट जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। यू नो, ऐसा अगर आप करोगे ना तो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि मैं गाइस आपको बता दूं कि सपने एक नहीं, सपने अनेक होते हैं। देन दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि गोल्स एक नहीं होते हैं, गोल्स बहुत होते हैं। अब सपने क्या है, मान लीजिए आपका कोई गोल्स है, ठीक है, आपको कुछ बनना है। सपोज मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, लेकिन आप किसी कारणवश आप नहीं बन रहे हैं। वो कारण रीज़न बहुत कुछ हो सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता भी है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनके गोल्स होते हैं, वही उनके सपने होते हैं, बट टूट जाते हैं, ठीक है, सपने टूट जाते हैं, किसी कारणवश पूरा नहीं होते। तो वो स्टूडेंट क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सपने एक नहीं अनेक है, गोल्स एक नहीं अनेक है। एक आपने सुनी होगी ये कहावत, आपने सुनी होगी, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। वो आपने एक मोटिवेशन फोटेज आपने सुना होगा कि चलती रहूंगी पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगा या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगी। तो सेम गाइस यही बात है, आपको अपने मंजिल पे चलते रहना है, आपको मंजिल से हटना नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो आपका सपना है वो टूट जाए तो आपको बिल्कुल टूटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सपने एक नहीं है, सपने अनेक है, आपके गोल्स अनेक है। मान लीजिए कि आप कुछ बनना चाहते थे, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते थे, बट आपके वो सपना पूरा नहीं हो पाए, किसी कारणवश ही आपका गोल्स अचीव नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, और भी बहुत सारे ऑप्शनल है, आप कुछ अच्छा चॉइस करके अपने मंजिल को, रास्ता को अपना सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ लाइफ में हासिल होगा। वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से अच्छा है थोड़ा अच्छा। तो आपको कुछ ना भी मिला तो क्या हुआ, एक तजुर्बा तो नया होगा, आप जो मंजिल पे जाएंगे वो आपके लिए नया होगा। तो इसलिए अगर सपने टूट जाए ना तो कभी आप मत बिखरना, सपने बिखर जाए पर आप कभी मत बिखरना। बहुत सारे ऐसे पर्सन के साथ होते हैं, वो निराश हो जाते हैं, मेरे सपने टूट गए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सो डैट इज़ नेवर यार। बहुत सारे ऑप्शनल है लाइफ में, बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे सपने हैं, ठीक है। तो आप किसी भी अपने राह पर जाकर, अपने रास्ते पर जाकर एक अच्छा आप सपने देख सकते हो, उसे पूरा कर सकते हो, आप उस मंजिल पर जा सकते हो, उस राह पर जा सकते हो जहाँ पे आपको ढेर सारी कुछ ना कुछ अच्छे आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस, आज की मेरी प्रेरणा यही होगी कि कभी भी अगर आपके सपने बिखर जाए ना, अगर आपके सपने टूट जाए ना, तो अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दो यार, क्योंकि सपने बहुत होते हैं, गोल्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये थी कि मैं आज आप लोगों को बताई, क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, यू नो, बहुत सारे पर्सन्स के साथ होते हैं, यू नो, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं अपनी लाइफ को जीना छोड़ दी, या मैं यूं ही मतलब टूट गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अपने राह मंजिल को अपना चुकी हूँ, देन दूसरी मंजिल के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक नया रास्ता मिलेगा, एक नया जो भी होगी वो नया होगी। तो इस तरह से आपको भी हमेशा मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेटेड कभी नहीं होना है गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेपिटो में नेटॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।